हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बुद्धा देवदेर माँ। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते क्या है। सो अंदर चलते अभी। और ये है बुद्धा जी की बहुत ही विशाल एवं भव्य प्रतिमा। और ये प्लेस विजिट करने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देना है। और इस मूर्ति के अंदर भी आप जा सकते हैं, इसमें मंदिर है एक, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और ये चारों तरफ का व्यू। और अब हम ये सिंपली भूटान म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। ये एक प्राइवेट म्यूजियम है और यहाँ का एंट्री फी 300 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये दो आर्टिस्ट एक ट्रेडिशनल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। Thank you. And he even participated in our national panel. So you see, those are his reasons. So sir, if you want to buy some. So friends, ये भाई हैं यहाँ भूटान के लोकल, जो अपने पैर से ये सब जो कलाकृति हैं सब बनाते हैं। और ये पैरालंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये सब इन्होंने बनाया हुआ है पैरों से। हाय, हेलो। बहुत बहुत ही बारीकी की काम करते हैं, वो भी पैरों से। उसके लिए भी लेकिन और ये है ट्रेडिशनल भूटानीज फोक डांस। और फिर हमने भी थोड़ा डांस ज्वाइन किया। फिर हमने भूटान का नेशनल गेम आर्चरी ट्राई किया। लेकिन हमारा एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा और हम सोच रहे थे कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। और हम ये थिम्पू सिटी के फार्मर मार्केट पहुंच चुके हैं, जिसे पहले संडे मार्केट के नाम से जाना जाता था। और ये हमारे होस्ट कम गाइड सिमरन आंटी, जो हमें मार्केट में गाइड करते हुए। सब्जी ये सब जंगल का है। अच्छा, ओके। सब धूप के जैसा है, नहीं खाते नहीं है, ये इंसेंस स्टिक्स है। अच्छा, ओके। इंसेंस स्टिक, हाँ हाँ, धूप धूप और मार्केट से आने के बाद हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पर हम रेस्टोरेंट ऑनर के इस क्यूट से बच्चे से मिले। ये रहा हमारा दूसरा होम स्टे, लिटिल विलेज वन। ये रहा कॉमन एरिया। और ये है काम चलाओ किचन, जहाँ लाइट कुकिंग कर सकते हैं। ये डिश वगैरह है हाथ धोने के लिए, ये सब रखा है यहाँ पे। मतलब अगर बड़ा आपका ग्रुप है तो ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ से ये व्यू दिखता है,
ये है अपना फुटबॉल ग्राउंड, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है थिंक, नहीं नहीं वो उधर मैदान में है। और ये है उस दिन की कुछ और फोटोज़।